थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने मानव की रचना की और पतन के बाद आपने उसे नई सृष्टि बनाने का जो योजना बनाई, उस पर आपने युगों काम किया और अंत में अपने पुत्र को भेजकर उस योजना को समस्त मानव जाति के लिए पूरा करके सुसमाचार हमें दिया। प्रभु, जो कोई सुसमाचार सुनता है और उसे ग्रहण करता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह यानी कलीसिया में उसके जीवन में कार्य होता है, उसे नई सृष्टि बनाया जाता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कलीसिया की स्थापना इसीलिए की है ताकि जो कोई सुसमाचार ग्रहण करे और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करे, उस कलीसिया में रख कर प्रभु आप उसका आत्मिक जीवन शुरू करते हैं और उसको विकसित करते हैं ताकि वो पूरी तरीके से विकसित होकर आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। हम इस योजना के लिए धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा देखना चाहते हैं। हम सब जो कलीसिया के लोग हैं, हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और ये योजना हम सब के जीवन में पूरी हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज एपिसोड 6 के लिए, लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 6। आज हम पहला तथ्य देखेंगे, फैक्ट नंबर 1, इफ यू आर अ क्रिश्चियन यू आर अ न्यू पर्सन, यू आर नॉट बिकमिंग न्यू, जिसका हिंदी में मतलब है कि अगर आप मसीही हैं तो आप नई प्रकृति को या नए नेचर को, नए स्वभाव को अगर आप मसीही हैं तो आप और आप एक नए व्यक्ति हैं, आप नए नहीं बन रहे हैं। यानी जब अगर कोई ये कहता है कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ और वो इस बात को मान रहा है या विश्वास कर रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इसलिए वो अपने आप को मसीही कह रहा है। समस्या इस बात पे है, जिस बात पे हम लोग आज अध्ययन करेंगे, कि लेकिन वो व्यक्ति नई सृष्टि बन नहीं रहा, तो प्रॉब्लम है। और हम लोग इसी बात पर आज अध्ययन करेंगे कि नई सृष्टि बनना, अपने आप को मसीही कहना, अपने आप को मसीही मानना और नई सृष्टि होना, ये दोनों बातें हमारे जीवन में एक साथ होनी चाहिए। और इसी विषय पर हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज का by definition, someone can't be both dead and alive, यानी अगर परिभाषा के अनुसार देखें तो कोई भी व्यक्ति दोनों चीजें यानी मृतक और जीवित एक साथ नहीं हो सकता। या तो वो मृतक होगा और या वो जीवित होगा। यू आर आइदर वन और द अदर। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 4 पद फिर से पढ़ेंगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी कैसे, जैसे मसीह मृतकों में से जिलाया गया। अब आपको यहां पर ध्यान क्या करना मालूम है, पद को पढ़ना और पद को पढ़ के मनन करने से क्या फायदा होता है, ये मैं चाहता हूं आप सीखें। यहां पे लिखा है जैसे मसीह मृतकों में से जिलाया गया। सबसे पहली चीज आपको मसीह के जिलाने का देखना है। पहली चीज, वो जी नहीं उठा। अक्सर लोग कहते हैं यीशु मसीह जी उठा, ना, जिलाया गया। और जी उठने में तो यीशु मसीह खुद जी उठा, लेकिन जिलाया गया इसका मतलब कोई काम कर रहा है, कोई उसको जिलाने का काम कर रहा है। तो कौन उसको जिलाने का काम कर रहा है, वो हमको देखना है कि कौन जिला रहा है।
यदि तुम में वही आत्मा है जो मसीह यीशु में था, तो जैसे मसीह यीशु उस आत्मा के द्वारा मसीह को जिलाया, वैसे ही तुम्हें भी जिलाया जाएगा। तो किसने जिलाया? ना ना, यीशु मसीह को किसने जिलाया? यीशु मसीह को किसने जिलाया? देखिए वर्सेस बोली, उसके बाद नहीं समझ में आया। जिस जैसे 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 मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें, जैसे वो जिलाया गया वैसे। अब इसको आपको समझना है तो मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री उसका अध्याय 8, 8 अध्याय का 11 पद पढ़ दीजिए, 8 अध्याय का 11 पद। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को किसने जिलाया? पवित्र आत्मा नहीं, जिसने जैसे, फिर से पढ़िए, यदि उसी का आत्मा जिसने, तो यीशु का आत्मा कहां हुआ? यदि उसी का आत्मा किसका? ये पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा पिता का आत्मा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को किसने जिलाया? पवित्र आत्मा। देखिए आप लोगों को हम एक चीज बता रहे हैं, ये प्रोग्रेशन हमेशा याद रखिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। अब आपको यह सीखना है कि कहां पिता है, कहां पुत्र है, कहां पवित्र आत्मा है, और तीनों के अलग अलग फंक्शन है लेकिन मिलकर तीनों एक ही काम करते हैं। जैसे उसी का आत्मा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसता है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है। इसका मतलब यीशु मसीह को किसने जिलाया? तो वहां पे यही हम पढ़ रहे हैं रोमियो 6:4 में, जिस जैसे जैसे, फिर से पढ़िए हिंदी में क्या था, इसलिए हम उसके साथ मृत्यु के बपतिस्मे के द्वारा गाड़े गए कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, जैसे मसीह जिलाया गया। मसीह कहां जिलाया गया? कब्र में। तो हम यदि अपने आप को मृतक कर लें या मान लें कि हम मृतक हैं और हम ग्रेव में हैं और मुर्दा अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसी का आत्मा, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा मालूम क्या करेगा? यीशु को किसने जिलाया था? वही आपको जिलाएगा। बिल्कुल सच बोलता परमेश्वर, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता और उसको प्रमाणित कर चुका है, उस प्रमाण को दिखाकर बात की जा रही है। जी पिता की महिमा, आप ये वापस यहीं आ जाइए, वैसे ही हम भी। तो यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ तो यीशु मसीह कौन सा जीवन जी रहा था? शारीरिक जीवन या स्वर्गीय जीवन? यीशु मसीह का स्वर्गीय जीवन था, वही पुनरुत्थान वाला जीवन हमको मिलता है। हमारा मसीही जीवन बपतिस्मे से नहीं शुरू हो रहा है, हमारा मसीही जीवन शुरू हो रहा है पुनरुत्थान से। ये एक एरर हो गई कि आज मसीही लोग बपतिस्मे से शुरुआत कर रहे हैं, जबकि हमारी शुरुआत पेंतेकुस्त से होनी चाहिए, पुनरुत्थान के बाद। कलीसिया की शुरुआत हुई है पेंतेकुस्त से और कलीसिया आज शुरू हो रही है बपतिस्मे से। ये गलत है, ये शुरुआत ही नहीं है, ये फिर गलत हो गया। और इसी बात को हम सीखेंगे। अब देखिए हमारा लिखा है नया जीवन ये, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना शरीर उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि
चढ़ाया गया था, चढ़ाया गया था। तो इसका मतलब पास्ट टेंस, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमको ये विश्वास करना है सुसमाचार के आधार पे कि जिस दिन मसीह मरा हम उसके साथ मर गए थे, लेकिन ये समाचार हमको आज मिल रहा है कि तुम तो मरे हुए हो पापों के लिए। 2022 वर्ष पहले तुम पापों के लिए मर चुके हो। कैसे? क्योंकि जब प्रभु मरा तुम्हारे पापों को लेकर, तो पापों के लिए तुम मरे हुए थे, और तुम अब पाप में जीवन क्यों बिता रहे हो, यह सुसमाचार हमको बता रहा है। अब तुमको पुनरुत्थान की संतान बनना है। तो जैसे ही हम सुसमाचार के आधार पर यह देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ पापी मर चुका है और मैं एक पापी हूं, तो पापी जो है वो यीशु मसीह के साथ उसके पाप मर गए। तो यीशु मसीह पापी को मारने नहीं आया था, वो पाप को मारने आया था, तो हमारा पाप उसने उठा लिया, तो हम पाप में जीवन क्यों व्यतीत करें। अब जैसे ही हम ये बात रियलाइज करते हैं और हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा आ जाता है तुरंत, और ये काम बहुत चट से होता है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा आपके जीवन में क्या हुआ, आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे, और इसके बाद आपके जीवन में एक प्रक्रिया शुरू होती है पवित्र आत्मा आने के बाद। अब यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना शरीर उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था ताकि पाप द्वारा शासित शरीर को दूर किया जा सके, कि हम अब पाप के दास ना रहें, क्योंकि जो कोई मर गया है उसे मुक्त कर दिया गया है। और ग्रीक में इस यानी मुक्त कर दिया का मतलब ग्रीक में है धर्मी हो गया वो, ही इज राइटियस, क्योंकि उसके सारे पाप मरने के बाद आदमी का सब खत्म, तो वो उसके पाप खत्म हो गए। बाइबल कहती है कि जो मर गया वो पाप से छूट गया, तो मृत्यु जो है वो पाप का अंत हो जाता है, शरीर ही है ना, शरीर खत्म, पाप खत्म। पाप से अब यदि हम मसीह के साथ मरे तो विश्वास करते हैं कि हम भी उसके साथ जिएंगे, हम उसके साथ जिएंगे भी। तो जब आपको ये मालूम हो गया मसीह मरा तो हम पाप के लिए, हमारा शरीर पाप वाला शरीर मर चुका है, तो अब ये शरीर हमारा पाप के लिए यूज नहीं होगा, अब हम इसको प्रभु को देते हैं, ये सरेंडर है। और जब हम ये करते हैं, ये विश्वास है हमारे अंदर, ये वाला विश्वास होना चाहिए। इन सभी पदों के अनुसार इसमें हमको जो ध्यान देना है, इसमें पास्ट टेंस यानी भूतकाल पर ध्यान दीजिए, कि हमारी मृत्यु भूतकाल है, पाप के लिए हम मर चुके हैं, लेकिन हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉल्ट है, और इसीलिए हम एक नए व्यक्ति नहीं बन रहे हैं। हम कलीसिया में आ रहे हैं कि आप नए व्यक्ति बन रहे हैं, नया मनुष्य तो आपके अंदर आ रहा है, लोग अभी बैठे इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोगों में तो बहुत उन्नति हो रही है और उनकी उन्नति दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन रही है। आप नए व्यक्ति नहीं बन रहे हैं, जब आप एक मसीही बन जाते हैं तो आप पुनर्जीवित मसीह के साथ अपनी पहचान के माध्यम से तुरंत एक नई सृष्टि में पुनर्जीवित हो जाते हैं, आप नई सृष्टि बन जाते तुरंत, लेकिन वो सृष्टि अभी नई सृष्टि आपको बना दिया उसने, जोई दे दिया, वो आपके अंदर आ गया पवित्र आत्मा के साथ। और जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें गई बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अब ये जो कुछ हुआ ये एकदम से हो जाता है, लेकिन इसको प्रकट होने में समय लगता है हमारे जीवन में। अब इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि आ गई, पुरानी गई और नई आ गई, ये इसमें कोई कुछ आया कुछ गया है, और ये जो आया हो गया है ये आपको नहीं समझ में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इब्रानियों का पत्री उसका 1:3 पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 1:3। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, कौन? यीशु मसीह, पिता की पहचान है, यानी वो पिता का एग्जैक्ट रूप है जी, और सब वस्तुओं को
अपनी सामर्थ्य के वचन के द्वारा संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। अब ये जो जा बैठा वर्ड है, इसको आप लोग जब जब ग्रीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह वहां वेला नहीं बैठा, वहां पे ऐसी फालतू जाके बैठा हुआ नहीं है। वो वहां पर बैठा है, इसका मतलब है वो ये नहीं दर्शाता कि वो आराम कर रहा है, वो आराम नहीं कर रहा है, वो वहां से बैठकर काम कर रहा है, क्योंकि वो थक, लोग सोचते हैं वो थक गया, अब वो थका हुआ है, वो आराम कर रहा है, या कि वो कुछ नहीं कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि जब उसने हमारे छुटकारे को समाप्त किया तो वो बैठ गया, क्योंकि ये पूरा हो गया था। सृष्टि के सातवें दिन का ठीक यही अर्थ था। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और सब कुछ कंप्लीट हो गया, और परमेश्वर ने सब कुछ कंप्लीट करके अपना रेस्ट किया। रेस्ट का मतलब नहीं कि परमेश्वर बैठ गया, परमेश्वर इन बाकी कामों को ऑपरेशन करने लगा, इन चीजों को चलायमान रखना है, हर चीज को मॉनिटर करना है, तो परमेश्वर का काम बढ़ जाता है। तो परमेश्वर का काम बढ़ गया, बैठा नहीं है वो। और ये परमेश्वर ने विश्राम किया क्योंकि ये पूर्ण था। परमेश्वर कब विश्राम करता है ये सीखना है, तो आपको ये समझना होगा परमेश्वर कभी इनकम्प्लीट वर्क में विश्राम नहीं करता। When he complete his work, then he rest. और उसने सृष्टि की रचना कंप्लीट की, उसके बाद रेस्ट किया। उसके बाद उसने यीशु मसीह के द्वारा नई सृष्टि की या न्यू क्रिएशन का काम कंप्लीट किया, कहां? क्रूस पे। और यीशु मसीह ने जो वो थी कब्र, थी कब्र में विश्राम किया, और कब्र से निकलने के बाद शासन पे बैठ गया। ये था विश्राम। बस वो थोड़ा सा विश्राम था, सातवां दिन था इसलिए विश्राम, और उसने उस विश्राम दिवस को पूर्ण कर दिया, यानी उसे भी पूर्ण कर दिया। इसलिए लिखा है वो विश्राम दिन का यानी सबत का भी प्रभु है, तो वो सबत का प्रभु बन गया। विश्राम उसने पाप को हरा के उस पर जयवंत होकर विश्राम किया, यानी उसने पाप को हराने का प्रबंध कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये पूर्ण था और कुछ नहीं था जो उसे करने की आवश्यकता थी। इसी प्रकार से आज हम अपनी छोटी उंगली को उस छुटकारे में जोड़ने के लिए नहीं उठा सकते जो उसने हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, यानी पुनरुत्थान में कर दिया, यानी उसने हमारा पुनरुत्थान कर दिया, क्रूस पर पुनरुत्थान का काम कर दिया। और यीशु मसीह ने आखिरी शब्द जो बोला क्रूस पर से, पूरा हुआ। इसका मतलब ये कि पाप की शक्ति खत्म, अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन में पुनरुत्थान का काम पूरा हो जाएगा, और ये तुरंत हो जाता है जैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन कलीसिया में बने रहना और परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा आपका पालन पोषण होना, तब ये बात आपके जीवन से प्रकट होती कि उसने क्या किया। और इसीलिए यहां पर आपका उपस्थित रहना प्रभु की उपस्थिति में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहीं पे आपके जीवन में वो सारे कामों को पूर्ण करेगा। इन सभी पदों के द्वारा हमने ये चीज देखी। अच्छा, हमें जो नई पहचान दी गई है उसमें जीने के लिए हमें ये महसूस करना होगा कि ये पूरी तरह से दी गई है। आप नए व्यक्ति नहीं बन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको एक नए व्यक्ति में बदल दिया है। हालांकि पवित्रीकरण नई प्रकृति से जीना सीखने का की प्रक्रिया है, सैंक्टिफिकेशन। आप इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू लिव फ्रॉम द न्यू आइडेंटिटी वी हैव बीन गिवन, वी मस्ट रियलाइज इट हैज बीन गिवन इन फुल। यू आर नॉट बिकमिंग अ न्यू पर्सन, गॉड हैज ट्रांसफॉर्म्ड यू इनटू अ न्यू पर्सन। सैंक्टिफिकेशन हाउएवर इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू लिव फ्रॉम द न्यू नेचर। सैंक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? ये नए स्वभाव में जीना सीखना की प्रक्रिया है। दिस इज द प्रोसेस कि हमें ये नया जीवन जीना कैसे है, और इसे परमेश्वर कलीसिया में रखकर हमें सिखाता है आत्मिक पालन पोषण में, कि तुम परमेश्वर की संतान हो, तुमको कैसे क्या नहीं करना है और कैसे नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, इन सब बातों को हमको ट्रेंड किया जाता है, ताकि हमको जो करना है और कैसे करना है और क्यों करना है
वो एग्जैक्टली मालूम हो, ताकि हम लोगों के बीच में जब व्यवहार करें तो लोग देखें कि आप फर्क है, आप बिल्कुल एकदम यूनिक होंगे सब लोगों के बीच में, ढेरों लोग होंगे लेकिन आप बिल्कुल यूनिक होंगे, अलग दिखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी पहचान दे दी है। अब ये वाली ये चीज जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कितनी वैसी चीज है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में किया जाने वाला कार्य है, जिसके बिना ये हमारे जीवन में प्रगटीकरण कभी नहीं हो सकता कि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में प्रकट किए जाए, जब तक पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में पूर्ण ना हो। और ये कार्य कहाँ करता है पवित्र आत्मा? कलीसिया में। और ये पहला फैक्ट है जो हमको सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हम नई सृष्टि बनाए, पुनरुत्थान हमारे जीवन में आ जाता। पुनरुत्थान की सामर्थ्य जोई क्या है? वही है पुनरुत्थान, और वो हमारे अंदर तुरंत आ जाता है यीशु मसीह पर विश्वास लाते ही। लेकिन कलीसिया में लगातार बने रहना, वचन को अंडरस्टैंड करना, वचन पे मन लगाना और परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना शुरू कर देना, उसके अनुसार चलने लगना, अपनी जीवन शैली को परमेश्वर की योजना के अनुसार व्यवस्थित करना, ये रिन्यूअल ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। जब तक रिन्यूअल ऑफ माइंड नहीं होगा तो ये जो न्यू लाइफ आपके अंदर आई है ना, ये आप इसका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। इसलिए ये पहला तथ्य है कि हम नई सृष्टि बन गए, लेकिन हम नई सृष्टि बन नहीं रहे, हम कलीसिया में सीरियस नहीं है, हम कलीसिया को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मसीह की देह है, आत्मिक देह, जहां हमारा पुनरुत्थान होना, तो ये समझ लीजिए मसीह, ये जो कलीसिया है ये एक प्रकार से ग्रेव है, समझ लीजिए यहाँ पे पवित्र आत्मा आपको जिलाने का काम कर रहा है, जैसे यीशु मसीह को कब्र में से जिंदा निकाला था, तो ये ग्रेव है। यहाँ बाहर कोई, बाहर का कोई देख नहीं रहा कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो लोगों के बीच में आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका जीवन शैली वो प्रकट कर रही है कि आप जहाँ जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग जगह है। और यही चीज परमेश्वर चाहता है कि जो लोग कलीसिया में आते हैं, ये लोग जब अपने अपने घरों में जाएं, उनके आसपास के लोग देखें और कहें कि ये नई सृष्टि है। इसी कार्य को करने के लिए उसने कलीसिया की स्थापना की है और कलीसिया के हर सदस्य के जीवन में इसी कार्य को पूर्ण करना चाहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि आपकी मर्जी हम सब के जीवन में, पूरी कलीसिया के सब विश्वास करने वालों के जीवन में वैसे ही पूरी हो प्रभु, जैसे आपके वचन में वर्णन किया गया है, जैसी आपने योजना बनाई है, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश तैयार हो और हम सब लोग बाहर संसार में आपके पुत्र के स्वरूप में प्रकट किए जाएं, जिससे परम पिता परमेश्वर की महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे जीवन को बचाने वाला है, हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाला है, नई सृष्टि वाला जीवन हमारे जीवन से प्रकट हो और केवल उसी का नाम महिमा पाए और सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।